नमस्कार, फोकस चौपाल में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन, और फोकस चौपाल आज आकर लगी है प्रिथला विधानसभा सीट में, और मैं हूं जितेंद्र चौधरी। प्रिथला विधानसभा दो जिले पलवल और फरीदाबाद के बीच करीब 103 गांव के ग्रामीण आंचल में बसी है ये विधानसभा। परिसीमन के बाद 2009 में सबसे पहला चुनाव रघुवीर सिंह तेवतिया ने कांग्रेस की तरफ से यहां से जीता था, और अब एक बार फिर 2014 के महासंग्राम में सजी है ये चौपाल। देखेंगे कि इस बार चुनावी मैदान में कौन बाजी मारेगा। जी हां, तो नेता भी हमारे साथ मौजूद है और जनता भी हमारे साथ मौजूद है। जनता के सवाल होंगे, नेताओं के जवाब होंगे, तो मैं चलता हूं नेताओं के पास, और मैं चलता हूं जनता के पास जनता के मुद्दे और सवाल जानने के लिए। हमारे साथ कोशिश तो हमारी थी कि चारों पार्टी, जो बीजेपी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा, चारों के उम्मीदवार यहां पर पहुंचे और अपनी अपनी बातों का जिक्र करें, लेकिन हमारे साथ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ से और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से लोग मौजूद हैं, उनके प्रत्याशी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खाली है और बहुजन समाज पार्टी की कुर्सी खाली है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि शायद जनता के सवाल इतने तीखे होते जो उनका जवाब ये दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी नहीं दे पाते। चलिए, दो पार्टी के प्रत्याशी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक हमारे साथ रघुवीर सिंह तेवतिया जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से राजेंद्र सिंह बिस्ला साहब मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तेवतिया साहब, चूंकि आप मौजूदा विधायक हैं, आपने पिछले 5 सालों पर यहां जो कुछ भी काम किया है, आज ये जनता भी उसको लेकर आपसे सवाल पूछेगी। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि इस बार जब चुनाव में उतर रहे हैं, आपके मुद्दे क्या हैं, क्या ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिनके जरिए आपको लगता है कि जनता एक बार फिर से अपना विश्वास जताएगी आप पर? जो नेक नियत और ईमानदारी से जी 5 साल जनता की सेवा की है, कांग्रेस पार्टी का जनता के बीच में जाने का हरियाणा में जो मुद्दा है वो विकास है, और विकास के मामले में इंडियन नेशनल लोकदल की 1999 से 2005 तक 6 साल लगातार सरकार रही, और उसमें बीजेपी के समर्थन से थी। लेकिन उन्होंने उस समय जितने भी इस देश के प्रदेश हैं उसमें हरियाणा 14वें नंबर पे था, लेकिन 9.5 साल में जो रिकॉर्ड तोड़ विकास हुए हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विकास फोर्स चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की जो कार्यशैली है उसकी वजह से जो विकास हुए हैं 9.5 साल में, आज हम पूरे देश के जितने प्रदेश हैं आज हम नंबर 1 हैं, ये आंकड़े हैं देश के। ठीक है, कांग्रेस का ये दावा है कि वो नंबर 1 होने के नाते इस बार फिर से चुनावी मैदान में है, और नंबर 1 होने की वजह से विकास के, का नहीं, विकास के मुद्दे पे ही 1966 से आज तक जी अगर कोई सरकार लगातार आई है कोई पार्टी, तो 2005 में कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने मौका दिया, और 2009 में दोबारा जो 4.5 साल रिकॉर्ड तोड़ विकास हुए उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी दोबारा जनता के बीच गई और 2009 में दोबारा कांग्रेस को मौका दिया। और इसी बिना पर आपको ये लगता है कि 2014 में भी जनता मौका देगी इंडियन नेशनल लोकदल को? तीसरी बार मौका देगी। आपको क्या लगता है, इन्होंने तो विकास को अपना एजेंडा बना दिया है कि विकास के बलबूते पर ही एक बार फिर से हरियाणा की जनता, प्रिथला की जनता इनके साथ है, आप ऐसा क्या मानते हैं कि जो आपके साथ जनता का विश्वास जाए? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की जो विचारधारा है वो हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत युग पुरुष जननायक चौधरी देवलाल जी, जो 15 साल की आयु में स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे और अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे, और उस समय स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ये निर्णय लिया था, देश आज़ाद होगा, शक्तिशाली होगा, आत्मनिर्भर होगा, वैभवशाली होगा, हर पेट को रोटी मिलेगी, हर सिर के ऊपर छत होगी, हर एक बीमार को दवाई मिलेगी, गरीब का बच्चा अच्छा पढ़ेगा, ये सारा का सारा सपना धूमल हो गया। मैं ये कहता हूँ कि आप प्रिथला विधानसभा क्षेत्र पूर्ण रूप से देहाती क्षेत्र है, कौन सा ऐसा गांव है जिसकी चारों तरफ से सड़कें ठीक हैं? पहली दफ़े हमने अनुभव किया है टोटल जो विकास के जो कार्य है डेवलपमेंट के,
इतना सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हो रहा है कि देख के दुख होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जी। पहले सड़कें बनती थी, 5 साल चलती थी, उन पर छोटा मोटा पैच वर्क होता था। उदाहरण देता हूं, आप चल के देखें, बल्लभगढ़ से फतेहपुर बिलोच के लिए सड़क बनी है, करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, 1 महीना नहीं चली, सारी की सारी उधर चली गई। मैं भाई तेवतिया जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने वो सड़क देखी है, और क्या जो सब स्टैंडर्ड मेटेरियल लगा है उसमें रोड ही खराब है, तारकोल नहीं है, उसका सारा का सारा क्या सैंपलिंग होके लेबोरेटरी के लिए भेजा है, क्या वो वहां से रिपोर्ट आई है, क्या उन ठेकेदारों को, उन अधिकारियों को कौन कौन उस लूट में मिले हुए हैं, क्या उनको कोई सजा दिलाने का प्रयास किया है, कहां का विकास है? ठीक है बेटे साहब, हम आपके पास आएंगे, उनका उनका उनके जो अहम बिंदु थे विकास को लेकर। इन्होंने जो हमारे आदरणीय बिस्ला जी कह रहे हैं, इन्होंने कभी विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश की है? कभी गए जनता के बीच? उसको अगर जो खराब किया है ठेकेदार ने, अगर गलत बनाया हो, वो बरसात के मौसम में बनी, जनता की मांग थी सड़क जल्दी बने, बरसात का मौसम था, बरसात में वो बना दी गई, उसकी शिकायत मैंने की, इन्होंने नहीं की, उसकी शिकायत मैंने की, चीफ खुद देखने आया, मैं मौके पर आया, जो खराब थी उसको दोबारा से बनाया जा रहा है, और उस पर कभी इन्होंने सोचा? इनके गांव से जाती थी सड़क, कभी कभी बनी वहाँ, आज 17 करोड़ की लागत से बनी है, बल्लभगढ़ से आपके चंदावली, मच्छगढ़, दयालपुर, अटाली, बाया, छांसा, मोहना तक 125 किलोमीटर सड़क 17 करोड़ की लागत आई है। इन्हें पता है बल्लभगढ़ से साहूपुरा, सुनपेर, दीघ, फतेहपुर, बिल्लोच, जवा, टेन्ना तक 9 करोड़ 59 लाख लग रहे हैं। इन्हें मालूम है जितना पैसा चौटालार बीजेपी की सरकार ने 6 साल में पृथला क्षेत्र के जितने गाँव हैं, जितने केवल सड़कों पर टोटली हर मद में लगाने का काम किया, उससे कहीं ज़्यादा केवल सड़कों पर लगाने का काम किया है। पृथला क्षेत्र में कहीं आपके आलापुर से आमरू, दूधौला, सिकंदरपुर, भुरजा, कलवाका तक 9 करोड़ 26 लाख रुपए लगे। इसी तरह बघोला, देवली, मानकोल, जनौली, नएगाम तक 7 करोड़ 36 लाख रुपये लगे हैं। इसी तरह आपके पृथला, ततारपुर, जटौला, मैदापुर, असावटी तक 5 करोड़ 39 लाख रुपए लगाने का काम किया है। इसी तरह पृथला, आपका दूधौला, धतीर तक 6 करोड़ 2 लाख रुपए लगाने का काम किया है। इसी तरह पृथला, छपरौला, आपका सहराला 5 करोड़ 19 लाख रुपए लगाने का काम किया है। कितनी सड़कें आप बता दूं मैं, जितनी बनी है 125 करोड़ रुपए केवल सड़कों पे लगाने का काम किया, 125 करोड़। जितना विकास पलवल और फरीदाबाद जिले के 9 हलकों में इन्होंने 6 साल में किया, वो रिकॉर्ड हमने केवल एक पृथला क्षेत्र में तोड़ने का काम किया है। उसे सुन लो, सुनने का मादा रखो थोड़ा। साकेत, एक और दिलचस्प बात यहाँ पर है, मैं बताना चाहूंगा कि 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जो प्रत्याशी हैं शशि बाला तेवतिया, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे ये जानेंगे। सबसे पहले जो कुर्सियां यहाँ पर खाली हैं उनके बारे में उनसे जानेंगे कि नयनपाल रावत जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं वो यहाँ क्यों नहीं पहुंचे हैं। आपसे जानना चाहते हैं आपके क्षेत्र के अंदर उनका कहना है कि उनकी तबीयत पूरे तरीके से ठीक नहीं है, क्या मानते हैं जो कुर्सी यहाँ पर खाली है कितनी सच्चाई है उनकी बात में इसको लेकर के? यहाँ 2 पार्टियों के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे वो हाथी वाली पार्टी का है। जो हाथी वाले का निशान वाला जो यहाँ नहीं आया, उसको पता है कि शशि बाला ने समूचे क्षेत्र में वो सच्चा संदेश दे दिया है कि हमारा 20,000 आबादी गाँव है भिड़ूकी, आज तक इसको हमने पंचायत का मेंबर नहीं बनने दिया। यहाँ तो ये जनता को बौखलाने के लिए आया है कि जनता मेरे बहका में आ जाए। जनता ने हाथी की हवा निकाल दी है, फूल को सुखा दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल का आपका भावी विधायक आपके सामने बैठा है, चौधरी ओम प्रकाश राज हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। आगे बात करेंगे और लोगों से जानेंगे, आपसे जानना चाहते हैं अगर हम बात करें क्या वजह है कि जो 2 नुमाइंदे हैं, 2 प्रत्याशी हैं आपके क्षेत्र के, वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं? देखिए, दोनों जो प्रत्याशी हैं, लगभग मैं जहाँ बहुजन समाज पार्टी वाले कैंडिडेट की बात करता हूँ, वो तो केवल केवल जाति आधारित बात करता है, जाति आधारित इलेक्शन लड़ रहा है ना, वो यहाँ का हमारे पथले का आदमी नहीं है, वो हमारे क्षेत्र का आदमी नहीं है, बाहर से आके इलेक्शन लड़ रहा है, केवल यहाँ की वोट नहीं, यहाँ की नुमाइंदगी वो क्या करेगा, वो हमारे दुख सुख के बारे में नहीं जानता, लोग उसको किसी तरह का रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, तो उस तरीके से वो केवल ये चाहता है कि हम जाति के आधार पर लोगों को बहकाकर
और यहां से वोट प्राप्त कर सके, लेकिन उसकी तो हवा वास्तव में निकाल ही दी है जनता ने। जी, हवा निकाल दी है। और लोगों से जानेंगे, ये दो जो कुर्सियां यहां पर खड़ी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चौपाल अगर यहां पर लगी है, क्षेत्र की जनता यहां पर आई है, उनका क्या कुछ मानना है इसको लेकर के? ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस चौपाल का कि वो लोग क्या जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते? आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप कहेंगे जो दो प्रत्याशी हैं आपके क्षेत्र के, वो यहाँ जवाब देने के लिए नहीं आए हैं, इस पर क्या कहना है? उनकी हालत बहुत नाजुक है और उनको लोग नहीं जानते, बाहर के कैंडिडेट हैं वो, इसलिए उनकी हवा निकल चुकी है। सचिवाला जो कह रहे हैं वो ठीक कह रही है। हाँ जी, तो यहाँ कहीं ना कहीं बातों का समर्थन देखने के लिए मिल रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बुला रहे थे, बताइए क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो दो कुर्सियाँ फिलहाल खाली दिख रही हैं आपको, ये हमारे रघुवीर सिंह तेवतिया जी ने इतने विकास कार्य कराए रिकॉर्ड तोड़, उसकी वजह से दो कुर्सियाँ खाली हैं, लेकिन 19 तारीख को ये तीसरी कुर्सी भी खाली हो जाएगी आपको। तो ये लोगों का यहाँ पर कहना है, कहीं ना कहीं अपने जो मुद्दे हैं उनको लेकर के। अब कुछ सवाल लेते हैं लोगों के, क्या सवाल हैं? युवा हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहते हैं सवाल क्या है जो दो प्रत्याशी आपके सामने हैं, या फिर जो नहीं आए हैं उनके लिए भी सवाल छोड़िए, क्योंकि फोकस हरियाणा के माध्यम से सवाल जरूर पहुंचे। मैं अपने विधायक जी से ये पूछना चाहता हूं, जो सड़कों की बात वो कर रहे थे, अभी कुछ गाँव में हम घूम रहे थे तो सब गांववासी ये कहते हैं कि जो यहाँ काम हुआ है सब ठेकेदारों की मिलीभगत से हुआ है, और अगर कोई अधिकारी आवाज उठाता है तो उसका ठेकेदारों की मिलीभगत से उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या इस बात का जवाब है हमारे विधायक जी के पास? बिल्कुल जवाब लेंगे, बिल्कुल जवाब लेंगे, बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपसे जानना चाहते हैं, आपका क्या कुछ सवाल है इसको लेकर के? मैं भाई साहब राजेंद्र बिस्ला से एक सवाल करना चाहता हूं, जो कानून के ज्ञाता भी हैं। क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अगर ये स्थिति रही केस की, तो क्या वो चीफ मिनिस्टर की, अगर पावर में आ गए तो पावर में तो आएंगे ही नहीं, तो क्या ओथ ले सकेंगे? ये पूछना चाहता हूँ राजेंद्र बिस्ला जी से। तो साकेत, सवाल आपने जनता के सुने हैं, मैं चाहूंगा कि इनके जवाब जो हैं, दोनों ही प्रत्याशियों के लिए सवाल हैं हमारे पास, आप इनके जवाब जरूर लें। बिल्कुल, सवालों के जवाब भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से दर्शकों का ध्यान जा चुकी है, आपने भी खींचा और हम भी चाहेंगे कि दो प्रत्याशी आज इस मंच पर उपस्थित नहीं है, बीजेपी की कुर्सी खाली है और साथ ही साथ बीएसपी की भी कुर्सी खाली है, इससे खुद आप अंदाजा लगाइए। लेकिन सवाल आपके लिए भी आए हैं, सवाल इधर से भी उठे, सवाल उधर से भी उठे कि क्या विकास के मायने क्या हैं आपके? अभी आप बता रहे थे बीजेपी वालों ने प्रचार प्रसार किया था अच्छे दिन आने वाले हैं, शायद उनके जनता के तो अच्छे दिन नहीं आए, खुद के अच्छे दिन आ गए इसलिए वो रेस्ट कर रहे हैं। कोई नहीं आ रहे, उन्हें शायद अच्छे दिन आ गए, खुद को महसूस हो रहा होगा इसलिए वो आ गए। रही दूसरी बात, जो हमारे आदरणीय बिस्ला जी इंडियन नेशनल लोकदल का आज उम्मीदवार है, उसे उन्हें ये ही नहीं पता हर 5 साल में पार्टी बदलते रहते हैं, वो तो खुद ही मौका परस्त है। आज जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके स्वर्गीय देवीलाल जी की, जिनकी मैं भी कदर करता हूं, उनके बारे में आज जो तारीफ के कसीदे काट रहे हैं, वो 4 साल पहले उन्हें गाली दे रहे थे, ये करते तो लुटे रहे हैं, तो विधायकों को मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और जब जाते हैं फिर देखते रहे, अब चले गए बीजेपी की तरफ, कभी हजका वालों से मिलते हैं, कभी बीजेपी से मिलते हैं, कहीं रास्ता न दिखा चौटाला साहब की शरण में चले गए, आज उनके कसीदे काट रहे हैं। सच्चाई तो ये है वो मौका परस्त हैं। श्री राजेंद्र सिंह बिस्ला साहब जी, अब कहें। मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां मेरे कथन को विराम मिला था। मैं ये कहता हूं अपने आदरणीय विधायक जी से, आप यहां उठकर चलते हैं, जितने महानुभाव यहाँ बैठे हैं, आप कैली से खंदावली चलो, अगर इतने इतने गड्ढे ना हो तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, काम चला हुआ जाके देख ले आप, कोई नहीं चला हुआ, वो टेंडर लगे मिस्टर काम कर रहे हैं, वहाँ जाके सीमेंट सारे हल्के की सड़क बन रही है, टोटल हल्के की। लेकिन बिस्ला साहब, बिस्ला साहब, तेवतिया साहब ने एक बात का और जिक्र किया था कि आप विपक्ष में होते बातों को नहीं उठाते हैं, जब आप विपक्ष में थे तब आपने बातों को नहीं उठाया, अब आप बात उठा रहे हैं चूंकि चुनावी वक्त आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं वो प्रत्याशी हूँ इंडियन नेशनल लोकदल का जो पूर्ण रूप से मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं डेली गाँव में जाता हूँ, वहां से आप मेरी बेसिक रिकॉर्डिंग ले आइए। सूचना का अधिकार लागू है, कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है, एक तो आंकड़े गवाह है, पता लग जाएगा जितना काम 9 हलकों में आपकी पार्टी ने, आप तो पार्टी के सच्चे सिपाही नहीं है, सच्चाई तो ये है,
क्यों आगे फिर चले जाएंगे। सच्चाई तो ये है, पार्टी जो है नहीं पता किस तरह से आप सच्चे सिपाही है, और कोई सिपाही नहीं आ रहे हैं। ये तो सच्चाई है, जो कहने थोड़े तो सच्चाई है। ये तो जो सामने कैंडिडेट है वो ही कहते हैं अपनी बातचीत में किसका हक था, किस तरह बुजुर्ग आदमी को गुमराह करके। आपकी में भी कहते हैं, आपकी में भी कहते हैं, आप जैसे लोग जो काम नहीं किया आप खुद छोड़ गए पार्टी। बिल्कुल जनता के भी कुछ सवाल ले लेते हैं, जनता और भी कई सवालों के साथ मौजूद है। हम चाहेंगे कि जरा जनता के कुछ और सवाल आ जाए, जैसे आप जनता के सवालों का जवाब दे दें। बिल्कुल साकेत, जनता के बीच हम आएंगे, जनता से बातचीत करेंगे और कुछ और सवाल लेंगे। आपका क्या कहना है, क्या सवाल है? आपके सामने दो प्रत्याशी हैं और दो प्रत्याशी ऐसे हैं जो आपके सामने ही नहीं आए हैं, क्या कहेंगे आप? सवाल किससे आपका है, क्या सवाल है अपनी विधानसभा को लेकर के? इस बार सवाल ये है जी, जो कांग्रेस जो है इलेक्शन लड़ रही है वो विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। आज हर गांव में हर बरादरी 36 बरादरी सुरक्षित है और छोटी जाति के लिए SC BC के लिए बहुत सुविधा। ठीक है, ये सब बात आपके नेता कह रहे हैं, आपका सवाल क्या है? यहाँ चौपाल है, जनता के सवाल है, कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे अपने प्रत्याशी से या फिर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी जो आपके सामने है? हमारा जो रघुवीर सिंह तेवतिया जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो ईमानदार सच्चा हितैषी है और ईमानदार नेता है। हम रघुवीर सिंह, अब वक्त सवाल का है, ये बात तमाम जो नेता हैं, तमाम दावे वादे जो हैं वो होते रहते हैं, आगे बढ़ेंगे, सवाल लेंगे। इधर से आप बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका सवाल किससे है और क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल माननीय राजेंद्र बिस्ला जी से है, जो इनेलो पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनको पहले कभी याद नहीं आया कि सड़कें जोड़ी जाएं या नहीं जोड़ी जाएं। आज जब चुनाव आ गया है, चुनाव के मात्र 10 दिन रह गए हैं, इससे पहले आज तक बिस्ला जी ने कोई बयान दिया हो कि अमुक गांव से अमुक गांव तक सड़क बनाई जाए? जब यानी सड़कों का मुद्दा साकेत, सड़कों का दूसरा मुद्दा है कि विपक्ष ने, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ये सड़कों का मुद्दा आज इस चौपाल में और प्रत्याशी बनकर लोगों के बीच में उठा रहे हैं, पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आपसे जानना चाहते हैं, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, किससे और क्या सवाल है आपका इन दोनों प्रत्याशियों में? मेरा चौधरी राजेंद्र बिस्ला जी से एक सवाल है। वो 15 साल इस क्षेत्र के विधायक रहे, उन्होंने इस क्षेत्र में क्या किया? एक भी चीज ऐसी गिनवा दें जो इन्होंने ये विकास किया है। डाइट में क्लासें लग रही हैं, एडमिशन हो गए, ITI में क्लासें लग रही हैं, देख लो फतेहपुर जाके। और जहां एजुकेशन की बात कर रहे हैं, गदपुरी जहां ये प्रोग्राम हो रहा है, 5 करोड़ से आरोही मॉडल स्कूल बना हुआ है और फतेहपुर में ITI चल रही है और दूधौला मंजूर हो गई है और आपके यहाँ पे मोहना मंजूर हो गई है, पिथला ब्लॉक बन चुका है और उप तहसील मंजूर हो गई है। तो इनका कहना है कि जो जनता के सवाल थे, जनता ने उनका जवाब दे दिया है। साकेत, आप सवाल जानिए। बिल्कुल, और जितेंद्र, जो RTI को लेकर एक सवाल किया गया था RTI एक्टिविस्ट की तरफ से, उसमें एक करेक्शन ये होना चाहिए कि राजनेताओं का इन्वॉल्वमेंट RTI में या RTI की रिपोर्ट अगर नहीं आ रही तो उसमें राजनेताओं का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आप अपर लेवल पर जाकर के उसकी शिकायत भी कर सकते हैं अगर आपको जानकारी नहीं दी जा रही। वो अधिकारी, उस अधिकारी पर पनिशमेंट होगा, उसके जो सैलरी मिलती है उसका डिडक्शन होगा, उस पर फाइन लगाया जाएगा अगर वो अधिकारी आपको जानकारी नहीं दे रहा। इसमें माफी चाहूंगा कि आपको करेक्शन करना पड़ रहा है, ना तो किसी विधायक का, ना कोई MP का और ना ही सरकार के किसी भी मंत्री का, उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सवाल अब आपसे मेरा ये कि आखिर आपको अब याद क्यों आ रहा है कि सड़कें नहीं बनी? आज से 5 साल पहले तक आखिर आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से आवाज क्यों नहीं उठाई गई? तेवतिया साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि सिर्फ ये चुनावी मुद्दा है, सिर्फ चुनाव का वक्त है, इसलिए आज आप आवाज उठा रहे हैं। मेरे टाइम में और जो आज सड़कों की बदहाली है, बहुत अच्छी हमारी मोटरेबल सड़कें थी। मैंने बल्लभगढ़ से मोहना तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क बनाई थी। लोग आज भी राजनीति से ऊपर उठकर मिसाल देते हैं, 5 साल तक उस पर पैच वर्क की जरूरत नहीं पड़ी है। आज जो सड़कें बन रही हैं वो दोबारा बनाई जा रही है, वही सड़क अच्छी बना रहे हो, दोबारा बना रहे हो, बना रहे हो, पड़ी थी बना रहे हो, आज चोरी करके दोबारा बनाई जा रही है। आज वो आपने फपूंदा पनारी कहीं तो नरियाला हीरापुर होते हुए 5.5 करोड़ की लागत से दोबारा चोरी करके बनाई जा रही है। सारी आप पे पहले बनी नहीं। आप ये बता दो, आपके गाँव की पंचायत में 3 नंगले आते हैं, कहीं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कोई एक सड़क बनाने के लिए 15 साल में पैसे दिया आपने? एक पैसा कभी हुड्डा खेड़ा में दिया आपने, कभी फपूंदा में दिया? आज जाकर देखो, वहां जाके
आज जाके देखो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कितना पैसा लगा है, कभी आपने देखा दूल्हापुर में कहा कभी एक पैसा देने का काम किया हो, जाके देखा पंचायती झुग्गी में कभी सड़क बनी है कभी पैसे देने का काम किया, आपने देखिया भट्टपुरा कहा वो पैसे देने का काम किया, आपने देखा कभी बलिपुर कहा पैसे देने का काम किया हो आपने। मेरा मेरी बात खत्म होने दें, 15 साल में जितना 15 साल जनता ने मौका दिया बिसला साहब को, बिसला साहब ने रिकॉर्ड की चीज है, 15 साल में जितना पैसा किसी भी गांव में दिया, और जनता आरटीआई की जो उतनी जनता बैठी है खुद बता देगी, हर गांव में एक योजना में उससे ज्यादा अगर ग्रांट ना गई हो तो भाई मैं जुर्माना देने को था। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जो 15 साल में उसका जवाब ले लेते हैं यहाँ पर जी। मेरे टाइम में जो पैसा सरकारी खजाने से विकास के लिए जाता था मैं चेक करता था, ध्यान रखता था, 100% लगता था। इनके टाइम में जो पैसा है वो सारा सारा साइफन हो रहा, मुद्दा ये है हमारा पैसा आया नहीं, मुद्दा क्या है तो सड़कें होती विकास को देख के बौखला रहे हैं, गांवों में जैसा लगता नहीं है ये कागजों में लग रहा पैसा, ये नहीं बता पाए 15 साल में लगाया कितना पैसा दिया वहां करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़ हम मौके पे देख लो आपके सामने हम कहते हैं सारी ये फोकस वालों की पंचायत जो है दिख रहा अपना ये चल पड़े जाके जब मौके पे देखो आप जाके देख लो मौके पे तो है ही नहीं जाकर देख ठीक है कागजों में इनका ठीक है मुआयना हम भी करेंगे जाकर देख लो ठीक है मौके का मुआयना हम भी करेंगे और चल के देखेंगे भी कि आखिर किस नेता की बातों में कितना दम है। लेकिन विकास के तो दावे आपने किए हैं लेकिन एक अमूमन अक्सर ये सवाल उठता आया है कि क्या आपके क्षेत्र में जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो क्या पूरी तरह से सही है, क्योंकि सही एक है। तरह से सवाल जो उठ रहे थे वो लॉ एंड ऑर्डर पर आरोप मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ जी, वो मैं पलवल प्रथला क्षेत्र में नहीं हुआ, उस समय परिसीमन नहीं हुआ था और उसमें श्रीमान जी जो आज हमारे आदरणीय बिसला जी बैठे हैं ये कहीं नहीं थे, अगर उनके सामने भी आवाज उठाने वाला कोई पंचायत में था रघुवीर सिंह तेवतिया था, अब CBI को जांच करवाने की कहीं अगर शुरुआत की तो रघुवीर सिंह तेवतिया ने की थी, और जाकर CBI जो इस देश की सबसे बड़ी एजेंसी है उससे वो जांच हुई और वो जांच जारी है इलाके की सरदारी में, अगर बिसला जी कहीं मौके पे भी थे तो बता दें उनका नाम बता दें कहाँ थे, हम थे उसमें संघर्ष किया तो हमने किया था, जांच करवाई हमने करवाई, इन्होंने क्या किया बताओ जी ठीक है। और फिर जिस पे उंगली उठ रही थी जी, जो भड़ाना साहब पर उसी का जवाब देते आज उन गलत आदमियों को पार्टी क्यों ले रही है, सिंह भड़ाना पर सवाल उठे और वही भड़ाना साहब को आपकी पार्टी ने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, क्या पार्टी अपनी नैतिकता तमाम चीजें भूल गई है क्या? एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा हमारे एक मित्र ने इधर से उठाया, पिछले में दो हमारी बेटियों की जान गई, वो बहुत दुखद घटना थी, आज भी सारे इलाके में सभी लोगों को उसका बड़ा भारी दर्द है। मैं विधायक जी से जानना चाहता हूँ, नहीं मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, कि आपने उसी अवतार सिंह भड़ाना को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, क्या जिताऊ कैंडिडेट के नाम पर या फिर पार्टी में किसी को भी शामिल करने पर जो आधार बनाया जा रहा है उस आधार में कहीं भी ये नहीं देखा जा रहा कि आखिर इस कैंडिडेट के पीछे कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं? देखिए ऐसा है, उसका जो इन्वेस्टिगेशन है जब तक किसी मैटर की तफ्तीश फाइनल नहीं हो जाती है तब तो तक क्यों उठाया जा रहा है, वो जा रही है, फिर तो आपने जवाब दे दिया, नहीं वो मुद्दा तो उठाया है किसी, फिर जवाब आपने दे दिया, मुद्दा तो उठाया है।